How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodra Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, first of all, wishing you a very happy new year. I hope that this new year brings a lot of success, health, and uh, all the good things happen to you in this year. And all your struggles, everything, they go away and you get what you want in your life. So, guys, um, let's begin the lecture. Lecture pe jaane se pehle. कल जो वीडियो आई थी उसमें हल्का सा कुछ आई थिंक वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था सो सो सॉरी फॉर दैट सो हियर इज द वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वेटलैंड्स ठीक है वेटलैंड्स के बारे में हम बात करेंगे इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कॉरल्स के बारे में बात किया था गाइज <coughs> एक और चीज ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है इट इज फॉर इनवायरमेंट राइट और ये इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड द सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर ठीक है ये हमारा यूट्यूब पे चल रहा है दैट इज ओपन फॉर ऑल इसी के साथ हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है uh, इधर में एक चीज बता दू कि जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है वहां पर जो वीडियोज हैं दे ऑल आर रीसेंट रिकॉर्डेड रिसेंट रिकॉर्डेड का मतलब क्या हो गया कोई आपके पुराने क्लासरूम लेक्चर्स नहीं है कोई भी पुराने वीडियोज नहीं है वो सारे वीडियोज क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के साथ डील कर रही हूँ तो जो वीडियोस मैं आज रिकॉर्ड करती हूँ वही वीडियो जो है वो कोर्स पे चढ़ता है सो so, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चार पाँच महीने पहले की कोई वीडियोस और वो चढ़ देर ऑल रीसेंट और वैसे भी जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर राइट सो उसमें तो कोई पुराने लेक्चर्स डालने का मतलब ही नहीं बनता ठीक है सो बस इतना सा अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू ठीक है इसी के साथ कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि मैम थोड़ा जल्दी पढ़ाइए थोड़ा शॉर्ट में लिपटाइए देखो आई एम श्योर आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होंगे ठीक है बट आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर जनरल ऑडियंस जनरल ऑडियंस का मतलब क्या होता है मैं अपने दिमाग में ये सोच के चलती हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसे कुछ नहीं आता तो अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहा है उसके बेसिक से लेके सारे के सारे बॉटम टू टॉप सारे के सारे क्वेरीज जो है वो सॉल्व होने चाहिए ठीक है इसलिए मेरी वीडियोस जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती है या डिटेल्ड होती हैं ठीक है सो गाइज so, ये थोड़ा सा है आई अंडरस्टैंड आपका भी मैं समझती हूँ कि आपके पास भी टाइम कम है बट मुझे सबको लेकर चलना है मैं किसी एक आधे बच्चे के लिए चीज़ें जो है वो जल्दी खत्म नहीं करवा सकती ठीक है सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कॉरल्स पढ़ा राइट right? कॉरल्स का डेफिनेशन किया कॉरल्स के लिए आइडियल कंडीशन क्या है वो पढ़ा दो तरीके के कॉरल्स होते हैं हार्ड कॉरल्स एंड सॉफ्ट कॉरल्स हार्ड कॉरल्स दे फॉर्म कॉरल रीफ्स ठीक है अब इन सब के बीच में हमारा एक टॉपिक है जो रह गया है ठीक है दैट इज टाइप्स ऑफ कॉरल रीफ ठीक है दोस्तों तीन प्रकार के कॉरल रीफ्स होते हैं वन इज द फ्रिंजिंग रीफ एक होता है बैरियर रीफ और एक होता है अटॉल राइट right? और अटॉल्स को ही कहीं कहीं पे पैच कहा जाता है ठीक है देखो फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है फ्रिंजिंग रीफ होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कोस्ट लाइन ठीक है ये आपका कोस्ट लाइन है जब कभी भी कॉरल रीफ्स जस्ट अलोंग द कोस्ट लाइन बने जस्ट अलोंग द कोस्ट लाइन उसको बोला जाता है फ्रिंजिंग रीफ ठीक है अब अगर ये रीफ अवे बने फ्रॉम द कोस्ट लाइन अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन बट पैरल टू द कोस्ट लाइन जैसे यहां ठीक है तो बीच में क्या आ गया बीच में आ गया पानी बीच में क्या आ गया बीच में आ गया पानी ठीक है इसको बोला जाता है बैरियर रीफ बैरियर रीफ जैसे कि द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया फाइन नाउ एक होता है फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ओशियनिक लैंडफॉर्म था राइट right? और उसके अलोंग यहां पर एक रीफ बन गया ठीक है एंड विद टाइम जो ये था ना ये लैंडफॉर्म वो हो गया। तो ये जो पीछे बच गया ना रीफ इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अटोल और इस अटोल की खासियत क्या है कि इस अटोल में क्योंकि ऑब्वियसली ओशियानिक है तो पानी होगा आगे पीछे इसके बीच में पानी होता है इसके बीच में पानी होता है ठीक है इस पानी को बोलते हैं लगून क्या बोलते हैं लगून कहते हैं क्यों कहते हैं याद रखना लगून वो वाटर बॉडी होता है जो मेन वाटर बॉडी से सेपरेट हो चुका है ठीक है और यहां पे किसी भी तरीके का फ्रेश वाटर नहीं पड़ रहा है फ्रेश वाटर नहीं पड़ रहा है या कोई सोर्स नहीं है इसका ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे इन्हीं लगूनस को केरला में कयाल्स कहा जाता है ठीक है सो लगोन्स इन केरला आर कॉल्ड एज कयाल्स ठीक है मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाती हूं सो दैट इट इज बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अरे ठीक है ये देखो इधर ये रहा डू यू सी दिस आप इधर देखो ये अलोंग द कोस्ट लाइन या फिर लैंडफॉर्म बिल्कुल पास पास दिस इज फ्रिंजिंग रीफ दूर है लेकिन पैरल है अलोंग है इसको बोलते हैं बैरियर रीफ और जब ये जो बीच का था ये गायब हो गया ये जो पीछे बच गया और इसके बीच में क्या है 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 इनको बोलते हैं ठीक सो आर द थ्री रीफ वाइट ठीक है चलो तो यहां पे हमारा कॉरल रीफ जो है वो खत्म होता है एंड नाउ आर वी गोन टॉक अबाउट वी विल टॉक अबाउट द वेट लैंड इस तरह का जो वॉटर बॉडी होता है दैट इज अ शैलो वॉटर बॉडी शैलो वॉटर बॉडी उसको हम वेट लैंड कहते हैं अगर आप इस वर्ड को दो हिस्सों में बांट दो तो वेट लैंड मतलब टेरिस्ट्रियल वेट मतलब वॉटर राइट right? मतलब ये ऐसी एक लैंड है जिसमें पानी है राइट right? अब टेरेस्ट्रियल भी है एक्वेटिक भी है तो ये किस तरीके का वाटर बॉडी हुआ ये एक इको कौन किस तरीके का इको हुआ ये इकोटोन हुआ और जब भी इकोटोन होगा तो ऑब्वियसली वो हाईली प्रोडक्टिव होगा राइट इसीलिए वेटलैंड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ठीक है सो दिस इज योर वेटलैंड फाइन चलो अब पढ़ते हैं कि वेटलैंड बेसिकली है क्या सो वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा एरिया है लैंड का जो कवर्ड है विथ वॉटर या फिर सैचुरेटेड है सैचुरेटेड विथ वॉटर फाइन दीज वेटलैंड कैन बी परमानेंट कैन बी टेम्पररी कैन बी आर्टिफिशियल कैन बी नेचुरल दे कैन बी क्या बोलते हैं उसको स्टैटिक दे कैन बी फ्लोइंग दे कैन बी एनी थिंग हो सकता है कि सीजनल वेटलैंड्स भी हो जब बारिशें होती हैं तो पानी भर जाता है और जब बारिशें खत्म हो तो वो वापस से सूखा हो जाता है वैसे वेटलैंड्स हो सकते हैं ठीक है सो दिस इज बेसिकली योर वेटलैंड तो याद रखना अगर हम बात करें वेटलैंड्स अगर हम बात करें चलो इधर करते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं वेटलैंड्स इन इंडिया की ठीक है तो वेटलैंड्स दो तरीके के हो सकते हैं दैट इज इनलैंड वेटलैंड एंड योर कोस्टल वेटलैंड ठीक है इनलैंड वेटलैंड नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं सिमिलरली कोस्टल भी नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अगर मैं इनलैंड की बात करूं तो नेचुरल क्या होंगे आपकी लेक्स होंगी नेचुरल ठीक है आपके पॉन्ड्स होंगे आपकी ऑक्सबो लेक होगी ठीक है ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपने जोग्राफी में कवर किए होंगे ठीक है अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो डैम्स रेजरवॉयर राइट वो सारे हो गए कोस्टल की बात करें नेचुरल हो गया एश्चुरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एश्चुरी क्या होता है लगून अभी हमने पीछे बनाया शैलो वाटर बॉडी ठीक है क्रीक्स ठीक है सर क्रीक है आपका गुजरात में जिसके जो पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर क्रीक एरिया ठीक है सो so, क्रीक्स हो गया आपके मैन ग्रूव्स हो गए राइट right? अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आपके कोस्टल में हो गए एक्वा कल्चर हो गया ठीक है ये सब हो गए आपके टाइप्स ऑफ वेटलैंड इन इंडिया ठीक है अब देखो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आए कि भाई पैडी फील्ड भी तो है धान देखा है आपने कितना पानी भरा होता है है ना वो सैचुरेटेड वाटर है मार्शी एरिया याद रखना पैडी पहले 2017 में ना वेटलैंड्स को लेकर तो 2017 से पहले जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स थे ना उसमें इंक्लूडेड था आफ्टर 2017 जो रूल्स आए हैं उसमें paddy field हो चुका है so, ये वेटलैंड तो है बट ये वेटलैंड के रूल्स में नहीं आता ठीक है सो दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखना 2017 से प्रायर पहले येस yes, बाद में इट डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ देटलैंड कंजर्वेशन एक्ट या रूल्स ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन फाइन चलो <clears throat> आगे बढ़ते हैं अब जब भी हम वेटलैंड के बारे में बात करते हैं ना दर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज दैट एक कन्वेंशन है नोन एज द रामसर कन्वेंशन ये यूपीएससी जेके पी एस सी एंड जेके एस एस बी इन तीनों का एक फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है कि रामसर कन्वेंशन किसके साथ डील करता है देखो ये कन्वेंशन है राइट right. सो so, सबसे पहले तो याद रखना इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन है ठीक है किसके साथ डील करता है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के साथ डील करता है है ठीक सो इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर कन्वेंशन तो ट्रीटी हो गया बाइंडिंग राइट यू ऑट टू फॉलो राइट और ये किसके बारे में है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दैंड अब देखो रामसर अगर हम इंडिया की बात करें मैं आपको थोड़ा तो 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 समझाती हूं इंडिया की अगर हम बात करें ना देयर आर मोर देन थाउजेंड ऑफ वेट इन इंडिया मोर देन वन थाउजेंड लेकिन हम सिर्फ सेवनटी फाइव की बात करते हैं राइट टू हैव बीन एडेड टेन हैव बीन एडेड फिफ्टीन हैं ना तो ये सेवनटी फाइव वो वेटलैंड हैं विच आर अंडर रामसर विच आर अंडर रामसर कन्वेंशन ठीक है वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उन कुछ वेटलैंड्स में से जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के होते हैं जो खराब हो रहे होते हैं डीग्रेड हो रहे होते हैं या फिर अगर वहां पे मैसिव नंबर ऑफ माइग्रेटरी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है देखो मैंने आपको बताया ना इकोटोन्स है ये देखो कितनी बर्ड्स आके बैठी हैं यहाँ पे ये देखो कितनी बर्ड्स आके बैठी हैं यहाँ पे है ना तो इसलिए ये वो होते हैं एरियाज जिनको आ, आपके वेटलैंड्स को उठाकर जो है कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसर में डाल देते हैं ठीक है अब रामसर अगर हम बात करें तो इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं जब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एज ऑफ सेकेंड ऑफ जनवरी टू अब थोड़ी आदत लगेगी एक दो तो दिन लगेंगे ट्वेंटी की आदत डालने में ठीक है सो so, इस अगर हम डेट की बात करें देर आर सेवेंटी फाइव वेटलैंड इन इंडिया विच आर अंडर रामसर ठीक है अब रामसर का नाम रामसर क्यों पड़ा भाई तो रामसर कन्वेंशन का नाम रामसर इसीलिए पड़ा बिकॉज रामसर रामसर जो है इट इज बेसिकली अ प्लेस इन ईरान ये एक प्लेस है ईरान में सो रामसर इज बेसिकली अ सिटी ऑफ ईरान और वहां पर यह कन्वेंशन साइन हुआ था कब साइन हुआ था सेकेंड फेबररी नाइनटीन 1971 में साइन हुआ था इसलिए हर साल दो फेबररी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं यह क्वेश्चन जेके एस एस पूछ चुकी है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन सी डेट को होता है तो याद रखिएगा दो फ़रवरी को हम हर साल बनाते हैं ठीक है नाउ अगर आपको क्वेश्चन आए साइंड तो कब हुआ जी 1971 में एनफोर्स अगर पूछा जाए तो कब हुआ 1975 में एनफोर्स हुआ याद रखिएगा ठीक है अब देखो कोई भी चीज है इट इज वर्किंग फॉर कंजर्वेशन इट इज वर्किंग फॉर एनी रीजन वो उसकी कोई ना कोई फिलॉसफी तो होगी राइट right? तो याद रखना अगर हम बात करें वॉट इज द फिलॉसफी ऑफ रामसर सो दैट इज वाइस यूज ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है और इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है सो वाइस यूज किसका फिलॉसफी है रामसर कन्वेंशन का फिलॉसफी है वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स क्योंकि वेटलैंड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना अगर मैं आपको बताऊं कि ओके अगर मैं आपको पूछूं इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं जी सेवेंटी फाइव हैं ठीक है थीके? अब अगर मैं आपको पूछूं ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं सो दैट इज यूनाइटेड किंगडम यूके हाउ मेनी वन सेवनटी फाइव वन सेवेंटी फाइव वेटलैंड हैं यूके के पास अंडर रामसर अगर मैं बात करूं इसके बाद कौन सी आती है सो दैट इज योर मेक्सिको विथ वन फोर्टी सिक्स इफ माई मेमरीज नो वन फोर्टी टू या वन फोर्टी टू रामसर साइट ठीक है अब इंडिया के पास कितनी है जी सेवेंटी फाइव है ना तो इन सेवन वेटलैंड के साथ इंडिया टॉप स्पॉट पे आता है विद मैक्सिम नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया याद रखना मैं साउथ एशिया कह रही हूं नॉर्थ एशिया अगर मैं बात करूं ऑल ओवर एशिया की इट इज थर्ड इंडिया ठीक है अब हमने देख लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ ये वेटलैंड्स को आपके कहाँ किस कंट्री के पास है अगर आपको पूछा जाए ना कि ऐसा कौन सा वेटलैंड सॉरी ऐसी कौन सा कंट्री है विच हैज मैक्सिमम एरिया एरिया नॉट नंबर एरिया दैट इज बोलिविया दैट इज बोलिविया ठीक है साउथ अमेरिका ठीक है जी चलो फाइन नाउ लुक एट द मैप ये देखो आपको रामसर साइट्स का याद रखना है रामसर साइट्स पे क्वेश्चन आते हैं तो आप या तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप खुद ही डाउनलोड कर लो ठीक है और आपको पता होना चाहिए कौन सी रामसर साइट का लोकेशन क्या है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं जैसे देखो अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें वो मोर देन वन हंड्रेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें मोर देन फाइव हंड्रेड है तो आप सबको तो याद नहीं रख सकते बट ये होता है कि आप सुनते रहो कि कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको आप देखो सबसे बेस्ट होता है कि आप ना मैप को देख लिया करो मैप देखोगे ना तो एक तरीके का विजुअलाइजेशन हो जाता है जैसे आपको किसी और के नोट्स याद नहीं रहेंगे लेकिन जो नोट्स आपने अपने हैंड रिटन होंगे ना वो याद रहेंगे क्यों क्योंकि विजुअलाइजेशन होता है आपको पता होता है आपने क्या लिखा है कहाँ लिखा है कितने पॉइंट्स हैं किस पॉइंट को आपने अंडरलाइन किया है सो so, इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो ये आपका एक वेटलैंड है जो मैंने आपको बताया दैट इज द रामसर साइट्स इन इंडिया नाउ विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया दैट इज योर सुंदरबन इज 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 इट इट ये सुंदर वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल ठीक है सो दैट इज योर सुंदर बन सुंदर बन ठीक है ये आपका सुंदरबन कहा है जी वेस्ट बंगाल में ये आपका लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है देखो सुंदरबन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टाज भी हैं डेल्टाज का मतलब क्या हो गया जब आपकी रिवर्स आती है विद विद ऑल देयर सेडिमेंट्स तो यहाँ पे ड्रॉप करती है तो ये ऐसे 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 करके टूट जाती हैं बिफोर मीटिंग द लार्जर वाटर बॉडी ठीक है दैट इज ठीक है सो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टाज भी बनाते हैं और साथ में यहाँ पे ये यह वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रोव भी हैं ठीक है और सुंदरबन में ना एक और चीज बता दूं सुंदरबन में जो ट्रीज होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं सुंदरी ट्रीज सुंदरी बिकॉज दे लुक वेरी ब्यूटिफुल सो दे आर कॉल्ड सुंदरी ट्रीज एंड दैट इज सुंदरबन ठीक है चलो बन का मतलब होता ही फॉरेस्ट है सुंदर का मतलब खूबसूरत ठीक है चलो आगे सो so ये आ गया जी लार्जेस्ट अगर मैं आपको बात करूं स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट कौन सा है जी इट इज रेणुका इन हिमाचल प्रदेश रेणुका हिमाचल प्रदेश इट इज द स्मोलेट वेटलैंड ठीक है अगर मैं बात करूं ओल्डेस्ट तो वो कौन सा इट इजा चिलिका ठीक है ओल्डेस्ट मतलब फर्स्ट टू बी एडेड फाइन सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर ठीक है नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट वेटलैंड वी टॉक अबाउट द रामसर कन्वेंशन

फर्क सिर्फ इतना है आपके ये आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और रामसर कन्वेंशन में कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वो वाले वेटलैंड आते हैं विच जहां पे डिस्टर्बेंस अंडर गॉन है हो चुकी है अंडर गोइंग है हो रही है या अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोस्ट लाइकली इट विल अंडर गो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसको डाला जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यह याद रखना सो so, इसमें पास्ट भी है प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है सो अंडर गॉन अंडर गोइंग एंड अंडर एंड लाइकली टू अंडर गो दैट फॉल्स अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो उन्नीस सौ नब्बे में आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो स्टेब्लिश हुआ था फाइन और अगर हम बात करें इंडिया की पहला वेटलैंड जो आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आया था दैट इज योर चिलिका चिलिका लेक ठीक है कब आया था जी आपका ये 1993 में आया था लेकिन 2002 में बिकॉज ऑफ द गुड प्रैक्टिस डन इन द चिली उसके बाद इसको निकाल दिया गया फ्रॉम द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आना कोई काबिल तारीफ़ की तो बात नहीं है वो तो खराब है कि आपने भैया पूरा इकोलॉजिकल यू नो डिसबैलेंस किया हुआ है हर चीज़ सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग सो इट इज़ दिस दिस इज़ गुड कि डाला था लेकिन निकाल दिया गया ठीक है अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने वेटलैंड्स मोन्टरेक्स रिकॉर्ड में है तो भाई जी दो हैं कौन कौन सबसे पहले आ गया लोकतक लेक और दूसरा आ गया आपका नेशनल पार्क की नेशनल पार्क लोकतक लेक की बात करें इट इज इन मणिपुर ठीक है किोलाडियो की बात करें इट इज इन राजस्थान फाइन नाउ किओ नेशनल पार्क इट इट इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स राइट सो किोलाडियो नेशनल पार्क को प्यार से भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है वाई बिकॉज इट इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स देखो जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना देखो इधर भी अगर आप देखोगे ना देखो इधर <clears throat> अब देखो जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो ये ठीक है फीड कर रहे हैं ब्रीडिंग कर रहे हैं लेकिन इन सिर्फ ये ही नहीं है जो इनके ऊपर फीड कर रहे हैं ये अपने साथ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस वेटलैंड को बैलेंस में रखती है ठीक है सो so, इसलिए दोनों तरफ से जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स Uh, क्या बोलते हैं नेटिव बर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है या नेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड सिमिलरली नेटिव ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स इट गोत्स इट गोज बोथ वेज इन्वायरमेंट में एवरीथिंग गोज बोथ वेज इट के नॉट बी वन अगर वन वे होगा तो खत्म ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोकतक लेक लोकतक लेक कहाँ है मणिपुर में याद रखना इट इज फेमस फॉर केबल लामजाओ नेशनल पार्क वॉट इज द स्पेशलिटी अबाउट केबुल जाओ नेशनल पार्क दिस इज द वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क विच इज फ्लोटिंग नेशनल जियोग्राफिक ने ना जो आपका चैनल है उस पर एक बारी बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी अबाउट द केबुल लाम जाओ नैशनल पार्क एंड द पीपल लिविंग इन द विनिटी एंड द इट्स अ पैरामीटर्स उसमें ब्यूटिफुल तरीके से दिखाया किस तरह से यू नो पीपल लिव देयर देयर यू नो वे ऑफ लाइफ हाउ दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर एवरीथिंग ब्यूटिफुल ये नेशनल जियोग्राफिक पे कवर किया था अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं इजिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब ठीक है सो दिस इज योर केबल नाम जो नेशनल पार्क विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क नाउ दिस लोकतक लेक इज फेमस फॉर फुम्बीस वॉट आर फुम्बीस ये लेक है ना आपका तो ऐसे ऐसे ना बायोमास पैचेस है बायोमास पैच समझने में मुश्किल होगी तो कुछ नहीं है भाई घास पूस होती है ना बस वो जमी हुई है इट सीम्स एज इफ आइलैंड है छोटे छोटे आइलैंड है आप इसका फोटो देख लेना फुम्बीज इन केबुल जाओ केबुल लाम जाओ या फिर आपका लोक तक लेक, क्योंकि उसी की ही विसिनिटी में है ठीक है सो दिस इज फुम्बीज ठीक है अब यहां पर ना एक एनिमल है विच इज अ फ्लैगशिप स्पीशी यहां की फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है ऐसे जानवर या ऐसे बर्ड्स या ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो वहां के ब्रांड अम्बेसडर्स होते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स ठीक है यहां का कौन है इट इज शां डियर दिस शां डियर इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एंटीलर एंटीलर या एंटिलोप ठीक है एंटिलर कहते हैं एंटिलो अपनी एंटिलर कहते हैं एंटिलर क्यों होते हैं सींग होते हैं सींग होते हैं अच्छा एक और चीज़ याद रखना जो सींग होते हैं ना एंटिलर्स वो सिर्फ मेल में होते हैं फीमेल पर नहीं होते याद रखना ठीक है क्योंकि आपका बायोडावर्सिटी अलग से टॉपिक है ना तो इसलिए ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं याद रखिएगा ठीक है अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको ये जो आपका शंघाई डियर है ना इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डांसिंग डियर ठीक है डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं जैसे ये है ना आपकी फुम्बीस डांसिंग डियर यहां आया फिर फुतक के यहां गया फिर फुतक के गया जब वो जंप करता है ना इन फुम्बीस के ऊपर तो उसको टाइम लगता है टू बी स्टेबल हिलता है ना इंसान जानवर भी हिलेगा राइट सो इट सीम्स एज इफ द डियर इज डांसिंग इसीलिए इसको डांसिंग डियर कहते हैं ठीक है सो so याद रखिएगा fine so this is about the wetlands johamne pada this is how the wetlands look like these are the important ramsar sites or jo humne johamne thi, it was the types of the coral reefs so i hope that this lecture was helpful to you एंड या दैट्स इट सो आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अच्छा आज के लिए तो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया ही नहीं है तो आज का क्वेश्चन दे देती हूँ देखो सेकेंड फेबररी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे बिल्कुल सही तो आपने क्या याद रखना है आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम सेकेंड ऑफ फ़रवरी को राइट right? तो आपने मुझे बताना है कि 2023 की थीम क्या थी ठीक है ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे फाइन और जब तक आपका पेपर होगा क्योंकि टेंटेटिवली एंडिंग ऑफ द फ़रवरी या इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा तब तक दो फ़रवरी जा चुका होगा तो दो की भी याद रखना ठीक है तो आप मुझे बताओगे दो की वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे आई सी यू गाइज टुमॉरो बाय